वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज हम हिंदी दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम हिंदी दिवस का इतिहास, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है और हिंदी दिवस से जुड़े हुए और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस तरह के सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप ये डेट याद कर लें कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर, क्योंकि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, इसलिए इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो आप इस हिंदी दिवस की डेट याद कर लें, 14 सितंबर। अब आते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। 14 सितंबर को इसलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1949 में इसी दिन भारत की संविधान सभा ने इसे भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया। तो आप इस क्षण को याद कर लें, 1949 में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला, यानी कि 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बन गई। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में इस पर मोहर लगाई गई। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में मान्यता दी गई। तो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 343। आप इस अनुच्छेद को भी याद कर लें। और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा की मान्यता दी गई। अंग्रेजी तो सरकारी कामकाज की भाषा है ही, इसके अलावा हिंदी को भी सरकारी कामकाज की भाषा की मान्यता दी गई। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। 14 सितंबर 1949 को बोहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन के रूप में चिन्हित किया गया। 14 सितंबर 1949 को बोहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन के रूप में चिन्हित किया गया। बोहार राजेंद्र सिन्हा कौन थे? बोहार राजेंद्र सिन्हा एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिंदी के महत्व को उजागर करने और देश की आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो 14 सितंबर को बोहार राजेंद्र सिन्हा का जन्मदिन होता है और इन्होंने हिंदी के महत्व को उजागर करने और इसको आधिकारिक भाषा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था, इसलिए इन्हीं के जन्मदिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसके जन्मदिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसका आंसर होगा बोहार राजेंद्र सिन्हा। आई होप हिंदी दिवस से जुड़े हुए सभी फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।